देख रहे हैं कशिश न्यूज, मैं कुंदन कुमार। आज हम बात करेंगे खास पेशकश जो हमारे कशिश न्यूज पे लगातार प्रोग्राम चल रहा है, नेताजी का 5 सालों का बही खाता खोलने का। कितना बही खाता में उन्होंने काम किया है, कितना नहीं काम किया है, सभी पूरा धनबाद जिले के सभी विधानसभाओं में जाएंगे और जाकर वहाँ पता करेंगे कि वहाँ पे जितना कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। आज हम झरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ की जो विधायिका है नीरज पूर्णिमा सिंह, जो 5 सालों में कितना काम की है और कितना काम नहीं की है, जनता कितना खुश है, कितना नाराज है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ की समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं पहले और बताते हैं कि लगातार यहाँ पे रोड धंसी हुई है, कहीं पे गैस निकल रहा है, कहीं पे आग जल रहा है, वहाँ पे लोग परेशान है, और कहीं पे बता दें सड़कें नहीं है, कहीं पे पानी का प्रॉब्लम है। आज सभी इसी बातों को लेकर हम जनता के बीच में चलेंगे और झरिया बाजार चलेंगे, जो भी यहाँ के झरिया विधानसभा में जितने क्षेत्र हैं वहाँ चलकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में नेताजी ने क्या काम किया है। यहाँ की जो नेता है नीरज पूर्णिमा सिंह है, कांग्रेस की विधायक है, और आपको बता दें धनबाद का ये हॉट सीट रहा है झरिया, जहाँ पे हमेशा भाजपा और कांग्रेस की हमेशा गढ़ माना जाता है, हमेशा यहाँ पे हॉट सीट के लिए लड़ाई चलती है लगातार। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, समस्या से रूबरू कराएंगे और चलते हैं अपनी और झरिया बाजार की तरफ, पूछते हैं जनता से सारा सवालों का जवाब। कोयलांचल की झरिया सीट हमेशा से हॉट रही है, वजह है यहां सूर्यदेव सिंह का दबदबा। उत्तर प्रदेश के बलिया से धनबाद पहुंचे सूर्यदेव सिंह 1977 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद झरिया सीट पर सूर्यदेव सिंह के परिवार का दबदबा रहा, लेकिन बाद में ये कुनबा पूरी तरह बिखर गया। एक तरफ सूर्यदेव सिंह का परिवार रहा तो दूसरी तरफ उनके भाइयों का परिवार, और टक्कर होने लगी सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच। सिंह मेंशन यानी सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह और रघुकुल यानी उनके भतीजे नीरज सिंह का परिवार। इस परिवार का क्या दबदबा रहा है वो इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2000 में झारखंड गठन के बाद से परिवार का ही कोई सदस्य विधायक बनता रहा। 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर सूर्यदेव सिंह के भाई बच्चा सिंह विधायक चुने गए। 2005 और 2010 में सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती, तो 2014 में सूर्यदेव सिंह के बेटे सजीव सिंह भी बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। वहीं 2019 में मुकाबला हुआ संजीव सिंह की पत्नी रागनी सिंह और सूर्यदेव सिंह के दिवंगत भतीजे नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा के बीच, जिसमें जीत हुई पूर्णिमा नीरज सिंह की। झरिया में बदलाव क्या हुआ वो सुनते हैं जनता से। पैर बिछाने के नाम पर आप झरिया बाजार चले जाइए, पूरे बाजार में 4.5 साल पूरे बाजार के एक एक दुकानदार जो है त्रस्त हो गए, पूरा बाजार और झरिया जो आसपास जो भी है सबको जो है पैर बिछाने के नाम पर कहीं पाइप गिरा कर छोड़ दिया गया, कहीं गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया, और जब 4.5 साल बाद पाइप को जैसे तैसे मैंने ओवरऑल आप लोग खुश नहीं है ने, और वो जो सड़क बनी भी है अभी चुनाव आया है तो चुनावी सड़क है वो दो एक महीने के अंदर में पहली बारिश में वो धुल गई थी। सरकार हो रहा आपके तरफ घर तरफ कुछ काम हुआ है आप उनके तरफ से? नहीं ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं, मतलब कोई काम नहीं हुआ है। मतलब 5 साल विधायक है वो कुछ नहीं की? कुछ नहीं क्यों कुछ नहीं की? 5 साल की विधायक है आप लोगों के बीच में आती है वो, उन्होंने अभी कहा कि हम घर घर गए हैं, क्या आपने नहीं मिला? आप लोगों का रोड लाइन ठीक रहता है? लाइन मतलब कभी आता है कभी जाता है लाइन। रोड ठीक है आप लोग का? रोड वही पाइप बिछा तब से बर्बाद है, बर्बाद कर दिया उसको, ठीक नहीं किया गया, अभी ठीक हुआ है कुछ दिन पहले। विधायक के बारे में जनता की क्या राय है वो आपने सुना, समस्याएं क्या है वो भी जान लेते हैं। यहाँ समस्याओं की लंबी फेहरिस्त है, ये इलाका जाना जाता है कोयले की खदानों के लिए, जो यहाँ के लिए वरदान भी और अभिशाप भी है। कोयला खदानों से लोगों की रोजी रोटी चलती है, बड़ी संख्या में दूसरे जगहों से आए लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कई तरह की समस्याएं भी इसी वजह से है। खनन से होने वाला प्रदूषण बड़ी समस्या है, जमीन के नीचे धधकती आग पूरे इलाके के लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, और गोफ जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है जिसके कारण लोग विस्थापन के लिए मजबूर हैं। हालांकि इसका समाधान विधायक के लिए संभव नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की उम्मीदें उनसे भी हैं। हुआ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है, पूरी तरह से काम नहीं हुआ है और भी काम होना चाहिए। मतलब पानी नहीं मिल रहा आप लोग को? हाँ पानी की अभी तो थोड़ा सा ठीक ही है, ना नहीं बोलेंगे कि खराब है, पहले से स्थिति तो अच्छा है, रोड भी
अच्छाई बन गया अभी। जनता पूरी तरह खुश नहीं है, हालांकि विधायक अपने काम गिनाने में पीछे नहीं है। सबसे बड़ा दावा है विस्थापन की समस्या के समाधान का। विधायक का कहना है कि झरिया और बलियापुर के बीच सड़क बनाई गई, लोगों की आस्था के केंद्र राजा तालाब का जीर्णोद्वार कराया गया, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया गया, ड्रेनेज और बिजली की स्थिति में सुधार किया गया। 5 साल हो गए आपके, सब चुनाव नजदीक है, तो 5 साल में क्या क्या काम हुए? आप पूछ रहे हैं तो इसलिए बता देती हूँ कि जो झरिया की जर्जर स्थिति थी, जो झरिया को ये बार बार कहते थे कि उजाड़ देंगे, लोगों को हटा देंगे, नया झरिया बसाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे 5 सालों में, तो सबसे पहला ये प्रयास किया कि जो हाँ झरिया है, झरिया वहीं रहेगा और उसको बसाना है और बेहतर बनाना है। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो झरिया बलियापुर रोड, जिसको लोग असंभव मानते थे, बोलते थे फायर एरिया है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। दूसरा काम हमारा हुआ राजा तालाब का जीर्णोद्धार। कीचड़ पड़ा रहता था, गंदगी पड़ी रहती थी उस तालाब में, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। आपको पता है छठ पर्व में हजारों लोग वहाँ जाते हैं, कम से कम 25-30 हजार लोग एक दिन में वहाँ रहते हैं। तीसरा काम हमारा हुआ अस्पताल, झरिया में एक अस्पताल 2009 में बना, कोर्ट केस चलने लगा उस पर, और लोग हमारे विशेष करके झरिया बाजार से बनियाहेड तक और जेल गोड़ा तक के लोग जो थे, उनके पास कोई अस्पताल नहीं था, या तो प्राइवेट अस्पताल के भरोसे रहते थे या जाना है तो धनबाद जाए। तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हमको सुदृढ़ करना है, तो मैंने एक यहाँ पर बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका जेल गोड़ा स्टेडियम के पीछे बन रहा है, ऐसी जगह को चुना कि आधा झरिया इधर से जा सके और आधा झरिया उधर से आ सके। और हमारे साथ अभी मिलित हुए हैं, हम बात करेंगे 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया है, जैसे कहा जाए तो रिपोर्ट कार्ड को लेकर। सर ये बताइए, 5 साल हो गए आपके, सब चुनाव नजदीक है, तो 5 साल में क्या क्या काम हुए? आप पूछ रहे हैं तो इसलिए बता देती हूँ कि जो झरिया की जर्जर स्थिति थी, जो झरिया को ये बार बार कहते थे कि उजाड़ देंगे, लोगों को हटा देंगे, नया झरिया बसाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे 5 सालों में, तो सबसे पहला ये प्रयास किया कि जो हाँ झरिया है, झरिया वहीं रहेगा और उसको बसाना है और बेहतर बनाना है। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो झरिया बलियापुर रोड, जिसको लोग असंभव मानते थे, बोलते थे फायर एरिया है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। दूसरा काम हमारा हुआ राजा तालाब का जीर्णोद्धार। कीचड़ पड़ा रहता था, गंदगी पड़ी रहती थी उस तालाब में, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। आपको पता है छठ पर्व में हजारों लोग वहाँ जाते हैं, कम से कम 25-30 हजार लोग एक दिन में वहाँ रहते हैं। तीसरा काम हमारा हुआ अस्पताल, झरिया में एक अस्पताल 2009 में बना, कोर्ट केस चलने लगा उस पर, और लोग हमारे विशेष करके झरिया बाजार से बनियाहेड तक और जेल गोड़ा तक के लोग जो थे, उनके पास कोई अस्पताल नहीं था, या तो प्राइवेट अस्पताल के भरोसे रहते थे या जाना है तो धनबाद जाए। तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हमको सुदृढ़ करना है, तो मैंने एक यहाँ पर बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका जेल गोड़ा स्टेडियम के पीछे बन रहा है, ऐसी जगह को चुना कि आधा झरिया इधर से जा सके और आधा झरिया उधर से आ सके, ये किया। उसके बाद हमने डिनाबली मोड़ से लेकर सिंदरी तक की जो सड़क का मरम्मती का कार्य था, जो बरसात के बीच में रुक गया था, उसको करवा रहे हैं हम। आपको एनएच का काम हमने जो बैंक मोड़ से लेकर डिनाबली मोड़ होते हुए जो निकल जाता है, उसका काम हमने कंप्लीट करवाया इसी बीच में। बिजली की जो व्यवस्था थी, कई जगह आप अभी भी जाएंगे शमशेरनगर के इलाकों में, बनियाहिर में, अभी भी पोल तार जो है वो बांस पे ही था, कितनी जगह हमने चेंज करवाया। आप लोरी पत्रा चले जाइए, पहली बार आजादी के बाद लोग बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं कि हमने जो है पोल और तार देखा है बिजली का और ट्रांसफार्मर की कैसा होता है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पानी की समस्या पूरे झरिया में है और आसपास के सभी क्षेत्रों में है, क्योंकि खनन क्षेत्र है। लेकिन हमने जो सबसे बड़ा प्रयास किया कि हम माडा को हड़ताल नहीं करने देंगे। माडा के अधिकारी जब तब मन हड़ताल कर देते थे और पानी को अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलाते थे, तो हमने प्रयास किया कि उसको नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि जो नियमित अभी जब तक नया प्लांट बन नहीं जाता है, सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 310 करोड़ का, जिसका काम लगभग 70% कम्प्लीट हो गया है, जिसकी वजह से झरिया बाजार में जो सड़क का काम था वो डिले हुआ, तो वो लगभग 70% वहाँ पाइप बिक चुकी है। मौका मिले तो कभी आप उषा टॉकीज में चले जाइए, वहाँ पर बड़ा सम्प बन रहा है कि अगर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और 2-3 दिन तक पानी आप नहीं भी भर पाते हैं, तो वहाँ इतना पर्याप्त पानी रहेगा कि पूरे बाजार को और इस क्षेत्र को जो है पानी मिल सकेगा। तो सम्प का काम चल रहा है, WTP का काम चल रहा है, 70% हम पाइपलाइन बिछा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा ISP कॉलेज हमें पूरा भवन जो है, अभी लाइब्रेरी का नया भवन बना वहाँ पर, पुराने भवन में कुछ क्लासेस शुरू हुई हैं, एडमिशन का काम चल रहा है, लेकिन जो हमें नया भवन चाहिए था वो बहुत जल्दी कैबिनेट से स्वीकृत हो जाएगा और हमारे युवाओं को, हमारी बच्चियों को जो यहाँ से बाहर जाती है, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो चापानल जो आपने गाड़ा है, कितने देशों के गाड़ा है? देखिए, बड़ी मुश्किल से हमें तो परमिशन नहीं मिल रही थी इसकी, लेकिन कई जगह से कागज और फाइलें मंगवा कर कि ऐसा क्या है कि दूसरी जगह पे हो सकता है लेकिन झरिया में आप मना करते हैं। हमारे साथ समस्या नगर निगम को लेकर आ जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी फाइलों को देखने के बाद और
सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने बोला कि आप कर सकते हैं, आप 4 इंची की बोरिंग करवा सकते हैं और ऐसा लगभग 70 बोरिंग जहां जहां झरिया में पानी अवेलेबल है। आपको पता है कि खनन क्षेत्र है तो यहां बहुत समस्या होती है कि ग्राउंड वाटर जो है यहां अवेलेबल नहीं है कई जगहों पे इन क्षेत्रों में, तो जहां अवेलेबल था हमने वहां जो है एक बाकायदा रिसर्च करवाई और उन क्षेत्रों में हमने लगभग इस बार 70 जो है बोरिंग करवाई है पूरे झरिया विधानसभा। बहुत लोग नाराज भी है और खुश भी आपसे क्योंकि रोड बहुत जर्जरा है, आप अगर वो फंस जाता है तो वो आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। नहीं नहीं फंसेगा क्यों, वहाँ पर तो कार्य हो रहा है, टेंडर हो चुका है, अब वहाँ ही होगा। आप लोग फंसा है नहीं, आप लोग पहले ही उस पे, आप लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं? बड़ी मुश्किल से तो हम झरिया के लोगों को पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर रहे हैं और आप प्रश्न ही करते हैं उल्टा कि धस गया तो ऐसा नहीं है यार, नहीं होगा और वैसा कुछ नहीं होगा, भगवान बचाएंगे यार, ईश्वर है ना, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सबको सुरक्षित रखेंगे। कितना नाराज है विधायक। चलिए और लोगों से बात करेंगे जो झरिया विधानसभा का विकास को लेकर क्या कहते हैं और पांच साल जो चुनाव है, चुनाव जीतने के बाद विधायक 5 साल में क्या किए, हम आज बात करेंगे। हमारे साथ रिंकू शर्मा है जो बस्ता कुला झरिया के रहने वाले। रिंकू जी बताइए कि लगातार जो 5 सालों में कार्य किए हैं जो विधायक नीरज कुमार सिंह, कितना खुश है आप लोग? नहीं देखिए 5 वर्षों में जो इनको विकास करना चाहिए वो कोई विकास झरिया का नहीं हो पाया। आपका देखिए यहाँ पर जो भाजपा सरकार 310 करोड़ रुपए दी थी हर घर नल से जल योजना, जो भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण योजना थी, उस पैसे से भी जो घर घर पानी का कनेक्शन होना था वो भी पूरी तरीके से विफल है और पाइप बिछाने के नाम पर पूरे झरिया विधानसभा को चारों तरफ जो है पाइप बिछाने के नाम पर चारों तरफ पोल काट कर रख दिया गया था। इससे कितना लोग दुर्घटना में घायल हुए और जो है कितने लोगों को जो है काफी दिनों अस्पताल में रहकर इलाज कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैंने अस्पताल पास कर दिया है, मैंने रोड सब बना दिया है। नहीं देखिए पाइप बिछाने के नाम पर आप एरिया बाजार चले जाइए, पूरे बाजार में 4.5 साल पूरे बाजार के एक एक दुकानदार जो है त्रस्त हो गए, पूरा बाजार और एरिया जो आसपास जो भी है सबको जो है पाइप बिछाने के नाम पर कहीं पाइप गिरा कर छोड़ दिया गया, कहीं गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया और जब 4.5 साल बाद पाइप को जैसे तैसे मैंने ओवरऑल आप लोग खुश नहीं है? नहीं, और वो जो सड़क बनी भी है अभी चुनाव आया है तो चुनावी सड़क है वो 1 महीने के अंदर में पहली बारिश में वो धुल गई। मतलब उन्होंने बताया कि मैंने तो 44 करोड़ 49 लाख करोड़ बनाया यहाँ झरिया से बलियापुर स्टैंड तक बलियापुर तक बना दिया मैंने। देखिए वो तो आपको झरिया बाजार के एक एक दुकानदार एक एक व्यापारी भाई बताएंगे कि कैसे पाइप बिछाने के नाम पर सड़क को खोल कर छोड़ दिया गया था। मतलब ओवरऑल विधायिका ने कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं देखिए जो काम होना चाहिए तो काम नहीं हो पाया। और देखिए एक और है बात है, एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे जरूरी होता है कि आम जनता और अपने जो क्षेत्र के जो जनता है उसके दुख सुख में खड़ा रहना, उसमें वो पूरी तरीके से निपट रहे। तो ये भी सुनने में आता है कि विधायिका से मिलने जाते हैं लोग मिल नहीं पाते हैं, आप ही कह रहे हैं? नहीं देखिए क्षेत्र की जो जनता है वो तो इनको 4.5 साल जो है वो तो घूमते रहे कि हमारी विधायक है क्या, और क्षेत्र में तो जन वो दिखी नहीं है। लगातार शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है और लोगों को से मिल रही है, बोलते हैं कि हम घर 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 गए हैं। लेकिन तो आपको जनता है वही तो चाहेंगे भाई कि अभी तो जनता है, आप खुश है? नहीं देखिए हम तो मान के चलिए, देखिए हम क्या बोले आपको, हम जनता बताएगी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड में आप बता दें कि वही खाता उनका हम लोग खोल रहे हैं, तस्वीर खोल रही है वही खाता, मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया है इसका। आप देखिए आप यहाँ के जो गरीब दुर्बल जो दलित पिछड़ा क्षेत्र सब है जहाँ पर इनको समर्थन मिला था चुनाव में, हम जहाँ के वहाँ के गरीबों से दलितों और कुकड़ों से पूछिए कि उनकी विधायक 5 साल में कितने दिन उनके बीच गई, मतलब काम नहीं किया है 5 सालों में। काम तो छोड़ दीजिए, वो जो सबसे उनका जो मैंने मुख्य रूप से जो उनकी जिम्मेवारी थी कि अपने जो जनता है उनके बीच में उनके दुख सुख में उपस्थित रहना, उसमें वो पूरी तरीके से रिपोर्ट है। एक सबसे बड़ा समस्या आ गया है झरिया में, जो झरिया सिंधरी मुख मार्ग फंसने लगा है और मेन रोड है वो अगर फंस जाए तो पार आदमी कैसे जाएंगे, और जनप्रतिनिधि को सोचना होगा ना?
देखिए ये तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको तो विशेष रूप से गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिए और इस बात को उचित प्लेटफॉर्म पर उनको रखना चाहिए। देखिए एक मंदिर था आपके घर के पास सामने में, दो दिन पहले खबर चली है, वहाँ बड़ा सा गोट हो गया, उसमें जनरेटर डीजे बॉक्स चला गया, अगर बड़ी घटना घटती तो क्या करती विधायक यहाँ? नहीं कहाँ, देखिए आज इस घटना जो चार दिन हुए कहाँ विधायक महोदय यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए, ना यहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन समिति से हाल चाल भाई आप लोगों का कितना का क्षति हुआ है और जो वहाँ पर गोप हुआ है, यहाँ पर लोगों का आस्था जुड़ा हुआ, प्लस ये झरिया धर्माद मुख्य मार्ग से बिल्कुल ये सटा हुआ है और कभी न कभी सड़क पर भी अगर संकट आएगा तो देखिए हमारे शहर अपने जो झरिया सर उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठेगा और इस रोड का कोई वैकल्पिक तो व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ है वो तो उन्होंने तो बताया कि आप पत्रकार महोदय आप ऐसा बात बोलते नेगेटिव सोचते, हम ना झरिया वासियों को पूरा खुश रखेंगे और भगवान भरोसे सबको ठीक रखेंगे, तो मतलब भगवान भरोसे क्या? देखिए वो तो झरिया की जनता ही आपको बताएगी ना कि भाई उन्होंने कितना काम किया और कितना लोगों को दुख सुख में जाने का काम किया, वो तो झरिया की आपको बता दें। चलिए देखिए आपने ने सुना रिंकू शर्मा की बातें जो यहाँ के बस्तापुला में रहते हैं और यहाँ पे उनके घर के सामने गोप हो गया, हम कैमरामैन को बताएंगे दिखाने की कोशिश करेंगे, ये मंदिर देख रहे होंगे आप श्री श्री नागेश्वर शिव मंदिर, आज से चार दिन पहले ये इसमें बड़ा सा मंदिर के सामने गोप हो गया और उसमें जहाँ यहाँ पे गणेश पूजा बनाया जा रहा था उसमें डीजे और जनरेटर गोप में समा गए, लगातार अगर कोई इसमें बड़ा हादसा हो जाता है चाहे कुछ लोग होते हैं उसके अंदर अगर वहाँ होते तो उसके अंदर चले जाते तो बड़ा हादसा होने से बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे एक राजमिस्त्री है, हम उनसे ही बात करेंगे कोशिश करेंगे क्योंकि झरिया विधानसभा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं झरिया विधानसभा में रहते हैं, कहाँ पे घर है ऐना कोटी में, तो विधायक कौन है आपकी? नीरज पूर्णिमा सिंह है, नीरज पूर्णिमा सिंह, तो मतलब वो आपके से मिलने वाले आपकी हाल चाल आप लोग का लेती है? नहीं नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं आती है, नहीं आती है, तो मतलब उधर कार हो रहा आपके तरफ घर तरफ कुछ काम हुआ है आप उनके तरफ से? नहीं ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं है, मतलब कोई काम नहीं हुआ है, मतलब पाँच साल विधायक है वो कुछ नहीं की? कुछ नहीं क्यों कुछ नहीं की, पाँच साल की विधायक है आप लोगों के बीच में आती है वो, उन्होंने अभी कहा कि हम घर घर गए हैं, क्या आपने नहीं मिली? ऐसा तो हमसे नहीं मिला है। आप लोगों का रोड लाइन ठीक रहता है? लाइन मतलब कभी आता है कभी जाता है, रोड ठीक है आप लोग का? रोड वही पाइप बिछा है तब से बर्बाद है, बर्बाद कर दिया उसको, ठीक नहीं किया गया, अभी ठीक हुआ है कुछ दिन पहले, मतलब खुश है इस विधायक से आप लोग? आप देखिए आने वाला तो वही पता है, चुनाव है, चुनाव में क्या है, मतलब चुनाव है वोट किसको दीजिएगा आप, ये विधायक को दीजिएगा जो विधायक है अभी? अभी तो नए निर्णय कर सकते हैं क्योंकि अभी तो चुनाव है, दो महीने के बाद चुनाव आ गया नजदीक, वोट दीजिएगा, मन में सोचे होंगे ना भाजपा को दीजिएगा कांग्रेस को दीजिएगा, और अब तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि का नाम है जैसे पूर्णिमा सिंह को दीजिएगा, किसको दीजिएगा? अभी तक सोचे नहीं है ऐसा, जैसा मतलब खुश हैं आप विधायक से? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अरे मतलब काम नहीं कर रही आपके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक जी से आपने सुना उनकी बातें, तो हमारे यहाँ विधायिका नहीं आती है और पाँच साल हो गए हमने विधायिका का चेहरा भी नहीं देखा है और हमारे तरफ लाइन भी कटती रहती है, लाइन आती नहीं है और रोड भी हमारे यहाँ नहीं है, रोड जो भी था वो पाइप बिछाकर उसे तोड़ दिया, दोनों फुट क्वांटम ही है, समझे? आपको बता दें कि यहाँ झरिया से रहने वाले हैं ये और ये कितना खुश है विधायिका से, यहाँ की कितना काम किया है उन्होंने बताइए, उन्होंने बताइए कि कितना काम हुआ है विधायिका कितना खुश है? अभी तक तो फिलहाल झरिया में जो भी विधायक के द्वारा काम किया जा रहा है और ये जान सकते कि हमारे लिए तो ऐसा कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, आम पब्लिक जैसे रोड बनाना पानी की समस्या अभी पर कोई उनका बयान आया था, देखे थे हम लोग फेसबुक के माध्यम से कि सड़क का निर्माण किए हैं, पानी का व्यवस्था दे रहे हैं, कि ट्रांसफार्मा जो कि उड़ गया था कुछ दिन पहले हम लोग के मोहल्ले में तो वो ट्रांसफार्मा भी अलाउड कराई थी सब मिला क्या ट्रांसफार्मर नहीं मिला उसको बनाया गया, मतलब कहीं ना कहीं शुरू में ये बताइए कि आप खुश हैं संतुष्ट हैं अपने विधायक से, पाँच साल में उन्होंने बहुत काम किया क्या? पाँच साल तो नहीं कहेंगे, तीन साल तो लगभग उन्होंने काम किया क्योंकि दो साल तो उनका कोरोना काल में ही चला गया और उसमें भी बहुत कुछ ऐसा काम है जो लॉकडाउन में उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं कहेंगे कि विधायक से हमारी बुरी है, मतलब पाँच सालों का वही खाता है उनका, पाँच सालों में उन्होंने क्या काम किया है
यहाँ के दुकानदारों के लिए, झरिया के दुकानदारों के लिए क्या किया है? हाँ, ये बात जो आपने पूछा वो तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों के लिए, हमारे दुकानदार लोगों के लिए, आज कल भी, कल का मैं घटना बताता हूँ। कल हमारे झरिया में ही, झरिया थाना के लोग कुछ यहाँ पे आए हुए थे और हम लोग को यहाँ से हटाने का कुछ बात करके और फाइन मार कर गए, जो कि इसमें हमारी विधायिका जी को भी कुछ करना चाहिए था और शायद उनके पास अभी रिपोर्ट गया है कि नहीं गया है। ये तो ग्राउंड पे वो बोलती है, सब से मिलते हैं, पूरी झरिया वासियों से मिलते हैं। हाँ, मिलती है आप लोगों से? नहीं, ऐसा तो अभी तक हमारे पास तो नहीं हुआ है कि कभी वो इधर से क्रॉस हुई है तो या हमसे मिली है या हमारे अगल बगल से मिली है। मतलब जनता प्रतिनिधि है, उनको मिलना चाहिए सभी लोगों से। चुनाव का टाइम अब निर्णय लिख लिया क्या? तो अभी तो फिलहाल चुनाव आ रहा है तो सभी कोई निकलेंगे, कोई ऐसे नहीं है जो नहीं निकलेंगे। सारे विधायक आएंगे, सांसद आएंगे। मतलब आपके तरफ से क्या काम नहीं हुआ है झरिया में? काम हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है, पूरी तरह से काम नहीं हुआ है और भी काम होना चाहिए। मतलब पानी नहीं मिल रहा आप लोग को? हाँ, पानी की अभी तो थोड़ा सा ठीक ही है, ना नहीं बोलेंगे कि खराब है, पहले से स्थिति तो अच्छा है, रोड भी अच्छा ही बन गया। आप विधायक है, मतलब उन्हें कुछ नहीं आप लोग? अब ये देखिए, ये तो हमारा आपसी मुद्दा है, हम लोग किसको विधायक बनाएंगे, ये तो समय के साथ जैसे मतलब बोलो माना जाए। सुनो, ये तो संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। पहले आपने सुना कि सुनने बताया कि लगातार यहाँ पे जो विधायिका है छरिया नहीं आती है और लोगों से नहीं मिलती है और सबसे बड़ी परेशानी कि इन लोग गुहार सुनने के लिए आना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे गुहार सुनने नहीं आते हैं। अगर ये छोटा सा काउंटर ही दुकान है तो अगर ये वोटर है उनके, अगर यहाँ के माना जाए तो ये एक वोट का इनको हक है, जो वोट दे के मेजर सिन्हा सिंह को जिताया गया है और वो विधायक बन गए। इन लोगों से नहीं आते, खासी नाराज़गी बताया जाए तो हो सकता है नाराज़गी है लोगों में।